नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य भूपेश बघेल के शासकीय निवास पर आज जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने आने वाले तमाम लोगों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में पहुंचने वालों का सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर वितरित किया गया। उस नंबर के आधार पर ही लोगों को प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री बघेल के जन चौपाल के दौरान मुख्य सचिव सुनील कुजूर, डीजीपी, डीएम अवस्थी सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि यथासंभव समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की स्वास्थ्य संवाददाता भूपेश गुप्ता ने। सरकार बनने के बाद सीएम हाउस में इस प्रकार के नई सरकार बनने के बाद पहला आयोजन है और इसमें हजारों लोग आए हैं। लोगों से भेंट मुलाकात होगी, समस्याओं के बारे में जानकारी भी होगी। बरसात भी शुरू हो गया, सावन का महीना लग गया है, लोग खेती किसानी में भी लगे हैं। तो प्रदेश भर के लोगों से मुलाकात करके जानकारी हम लोग लेंगे। गरवा गुरु भारी को लेकर निश्चित रूप से डिमांड हो रही है और सब चाहते हैं कि हम सबके गांव में बने और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम लोग बनाएं। सबसे ज्यादा क्या चीज डिमांड आई? एक तो आर्थिक सहायता का मामला आया है, कुछ इलाज का आया है और उसके साथ साथ स्थानांतरण के भी बड़े मामले बड़े आवेदन आए हैं। कुछ जमीन के विवाद के संबंध में शासकीय भूमि का, कुछ मुआवजा प्रकरण जो पुराने पड़े हुए लंबित, वो सारे प्रकरण आ रहे हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने अभी अभी अपना जन चौपाल खत्म किया है और तमाम लोगों से मुलाकात की है। अब एक बार फिर से आ गए हैं लोगों के बीच में। कृषि मंत्री भी वहां पर बैठे हुए हैं और अब यहां पे लोगों से रूबरू होंगे, यानी कि वो एक जगह स्थिर होकर के सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बल्कि लोगों के बीच में अलग अलग जगह जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं जन चौपाल में कृषि